देश का विकास किया है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो 10 साल में किया है। अरविंद केजरीवाल जी वो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हुए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, सब जेल में है आम आदमी पार्टी की। ये कैसी सरकार है? केंद्रीय मंत्री भारी समर्थकों के बीच में यहाँ पर पहुंचे चंडीगढ़ में और कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए हैं। अनुराग जी, आपका अनुभव काफी है, आपने हर एक दौर देखा है, इस बार का चुनाव किस तरह से लग रहा है? इस बार का चुनाव भी एक ही गूंज सब और आ रही है, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। जनता की जुबान पे मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो 10 साल में किया है। सीमाओं को सुरक्षित किया है, सेना को सशक्त किया है, समाज को एकजुट किया है और सनातन धर्म की रक्षा की है। कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदल देंगे, ये 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है, और बाकी जो तमाम आरोप हैं, चंडीगढ़ में केजरीवाल मनीष तिवारी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि पंजाब में कुछ, चंडीगढ़ में कुछ। देखिए, बहुत सीधी बात है, अरविंद केजरीवाल जी वो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हुए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, सब जेल में है आम आदमी पार्टी के। ये कैसी सरकार है? और एक नहीं, अनेक रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने भ्रष्टाचार के। कहते हैं ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के पास है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा। तो ये शराब घोटाला ईडी सीबीआई ने कहा था करने के लिए? किसने कहा था? नहीं, घोटाले हुए उसके बाद आपको क्या लगता है, इस चुनाव में खास आपको क्या लगा, क्योंकि आपका अनुभव मैं बार बार कह रहा हूँ लंबा है, डिफरेंट चुनाव इस बार क्या लगा आपको, क्योंकि आर्या पार की लड़ाई है इस बार? जनता इस बार स्थिर और निरंतर सरकार चाहती है, फिर एक बार मोदी सरकार चाहती है, और दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ाना चाहती है, विकसित भारत बनाने के लिए फिर मोदी सरकार। कितनी सीटें दे रहे हैं? तो ये थे अनुराग ठाकुर, निशाना साधा, सवाल का जवाब दिया और कहा कि इस बार 400 पार जो है वो होकर रहेगा। देश का विकास किया है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो 10 साल में किया है। अरविंद केजरीवाल जी वो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हुए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, सब जेल में है आम आदमी पार्टी की। ये कैसी सरकार है? केंद्रीय मंत्री भारी समर्थकों के बीच में यहाँ पर पहुंचे चंडीगढ़ में और कांग्रेस पर प्रहार करते नजर आए हैं। अनुराग जी, आपका अनुभव काफी है, आपने हर एक दौर देखा है, इस बार का चुनाव किस तरह से लग रहा है? इस बार का चुनाव भी एक ही गूंज सब और आ रही है, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। जनता की जुबान पे मोदी मोदी हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास किया है जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो 10 साल में किया है। सीमाओं को सुरक्षित किया है, सेना को सशक्त किया है, समाज को एकजुट किया है और सनातन धर्म की रक्षा की है। कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदल देंगे, ये 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है, और बाकी जो तमाम आरोप हैं, चंडीगढ़ में केजरीवाल मनीष तिवारी के लिए वोट मांगते हैं, बीजेपी आरोप लगाती है कि पंजाब में कुछ, चंडीगढ़ में कुछ। देखिए, बहुत सीधी बात है, अरविंद केजरीवाल जी वो है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते हुए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, सब जेल में है आम आदमी पार्टी के। ये कैसी सरकार है? और एक नहीं, अनेक रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने भ्रष्टाचार के। कहते हैं ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के पास है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा। तो ये शराब घोटाला ईडी सीबीआई ने कहा था करने के लिए? किसने कहा था? नहीं, घोटाले हुए उसके बाद आपको क्या लगता है, इस चुनाव में खास आपको क्या लगा, क्योंकि आपका अनुभव मैं बार बार कह रहा हूँ लंबा है, डिफरेंट चुनाव इस बार क्या लगा आपको, क्योंकि आर्या पार की लड़ाई है इस बार? जनता इस बार स्थिर और निरंतर सरकार चाहती है, फिर एक बार मोदी सरकार चाहती है, और दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ाना चाहती है, विकसित भारत बनाने के लिए फिर मोदी सरकार। कितनी सीटें दे रहे हैं? तो ये थे अनुराग ठाकुर, निशाना साधा, सवाल का जवाब दिया और कहा कि इस बार 400 पार जो है वो होकर रहेगा।